Welcome students, in this video we will learn the new chapter tissue, हिंदी में इसको कहेंगे उतक। तो उतक के बारे में हम लोग जो बेसिक आइडियाज क्रिएट करते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। मतलब कि एक खास यूनिट तैयार करता है ग्रुप ऑफ सेल्स, वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन एक खास फंक्शन को तैयार करता है, एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिशू कहेंगे। अब ये टिशू दो तरह के होते हैं, प्लांट टिशू और एनिमल टिशू, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल प्लांट टिशू को डील करेंगे। प्लांट टिशू में सबसे पहले चीज ये आता है कि एक टिशू जो ग्रो करता है या डिवाइड करता है, और एक टिशू जो फिक्स होता है, परमानेंट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो डिवाइड है, डिवाइड कर रहा है टिशू, उसको हम लोग कहेंगे मेरिस्मेटिक, यानी कि दैट सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। और परमानेंट में क्या है कि मैच्योर सेल्स आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसका मतलब कि आफ्टर डिवीजन ऑफ सेल्स जो न्यू सेल बनते हैं वो अपना कैपेबिलिटी खो देते हैं डिवीजन का, और वही सेल फिक्स हो जाते हैं, और वो सेल फिक्स होने के बाद वही सेल परमानेंट टिशू क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद प्लांट टिशू का अगर हम लोग टाइप्स देखें, तो पहला तो मेरिस्मेटिक, दूसरा परमानेंट हो ही गया। अब हम लोग मेरिस्मेटिक में आते हैं। मेरिस्मेटिक का तीन टाइप्स होता है, एक एपिकल मेरिस्टर्म, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टर्म, और थर्ड लैटरल मेरिस्टर्म। एपिकल मेरिस्टर्म को हम लोग हिंदी में शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टर्म को अंतर्वृष्ट विभाज्योतक कहते हैं, लैटरल मेरिस्टर्म को पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं, लैटरल मेरिस्टर्म को कैम्बियम भी कहते हैं। इन तीनों टाइप्स में बेसिक जो हम लोग का डिफरेंस है उसी को अगर हम लोग देख लें तो ये क्लियर हो जाएगा। एपिकल कहने का मतलब होता है कि ये लेंथ वाइज जहाँ पे ग्रो करता है वहाँ पे इस ये टिश्यू का निर्माण होता है, लेंथ वाइज यानी कि पेड़ लंबे हो रहे हैं। उसी जगह पे लैटरल मेरिस्टर्म यानी कि चौड़े हो रहे हैं जो पेड़, वहाँ पे वो टिश्यू काम करता है। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टर्म है, जो अंतर्वृष्ट है, अंतर्वृष्ट है वो लेंथ और ब्रेथ जहाँ दोनों ज़रूरत है, जैसे एक ब्रांच निकालना हो पेड़ से तो ब्रांच के पास आपका टिप और स्टेम दोनों साथ साथ फैलना और लंबा होना चाहिए, तो उस जगह पे इंटरकैलरी मेरिस्टर्म होता है यानी कि अंतर्वृष्ट विभाज्योतक। इस चीज में इंटरकैलरी टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, तो इसका कारण आप पता लगाइए दोस्तों। फर्दर इन आवर हैंड वी हैव परमानेंट टिश्यू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल अस्थाई ऊतक। तो सरल अस्थाई ऊतक में हम लोग, इसमें होता क्या है कि एक बेसिक पैकिंग क्रिएट होता है, इसमें कोई बड़ा बॉन्ड नहीं क्रिएट होता है, किसी में फिक्सेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। ये कुछ सेल्स होते हैं जो लेयर बाय लेयर एक बेसिक पैकिंग क्रिएट करते हैं, तो इनको कहते हैं पैरेन्काइमा। अगर आप लोग इंग्लिश में इसको लिखना चाहें तो लिखिए, सम सेल्स लेयर्स क्रिएट बेसिक पैकिंग, दीज आर कॉल्ड पैरेन्काइमा, दिस इज अ काइंड ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब ये करता क्या है, इसके पास बहुत ही पतला वाल होता है, सेल वाल कहिए या टिश्यू अगर पैकिंग हो रहा है एक दूसरे से ऐड होकर के, तो इसके पास थिन वाल है, लेकिन इसके अंदर जो भी जितने भी सेल होंगे ये एक्टिव सेल होंगे। एक्टिव सेल कहने का मतलब लिविंग सेल, और ये बॉन्डलेस होंगे, इनमें कोई ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होगा, और इनके बीच का स्पेस यानी कि इनफ इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, यानी कि इनके सेल के बीच का स्पेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। दिस हेल्प्स प्लांट स्टोरिंग फूड, ये प्लांट में फूड को स्टोर करने के लिए मदद करते हैं। तो एक्चुअली है क्या, फूड प्लांट में कौन बनाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, पत्तों में, तो पत्तों में ये ज़्यादा पाए जाएंगे।
और इसमें क्यों पाए जाएंगे ये, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल हेल्प करेगा, क्लोरोफिल जहाँ है वो पैरेन्काइमा है, ठीक है। एक्चुअली दिस हैज अ क्लोरोफिल, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लोरेन्काइमा। फॉर वाट, हम लोग पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। अगर पैरेन्काइमा को हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स से अगर कंपेयर करें, तो एक्वेटिक प्लांट्स के पास बहुत बड़ा कैविटीज होता है, इनके पास कैविटीज मतलब अंदर खाली स्थान, जिसके कारण वो एयर बहुत ही ज़्यादा कैप्चर करते हैं सेल के अंदर, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर, और उस कारण से फ्लोटिंग नेचर यानी कि बॉयंसी फोर्स वो वाटर में बहुत ज़्यादा अच्छा मात्रा में अप्लाई कर सकते हैं, जिस कारण से वो फ्लोट करते हैं। तो इसी कारण से वहाँ पैरेन्काइमा का नाम हो जाएगा एरियोकाइमा, एरियम काइमा। इसके बाद ये इनके पास होता क्या है कि इसके पास न्यूट्रिएंट्स और वाटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब ये पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स, पोषण के लिए और पानी ज़रूरत के हिसाब से इकट्ठा कर लेते हैं। अब प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कोलेनकाइमा नाम का टिश्यू होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। वो मैकेनिकल एफिशिएंसी देता है, मशीनरी एफिशिएंसी कहिए, मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, झुकना उठना टूटना, टूटने के बजाय वो झुकता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो वो किसके कारण, कोलेनकाइमा के कारण। और वो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, एपिडर्मिस जहाँ पे होता है वो उसके जस्ट नीचे होता है। और वो कहाँ पे होता है, तो लीफ स्टॉक, हमें हरे पत्तियों पत्तियों में जितने होंगे स्टॉक वहीं पे वो मिलेंगे, यानी कि ये जाहिर सी बात है एक थैला होता है जिसको हम लोग लीफ स्टॉक कहते हैं, वहाँ पे ये मिलेंगे एपिडर्मिस के नीचे। इनके पास बहुत ही कम स्पेस होता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही लेस होता है इन कंपेरिजन ऑफ पैरेन्काइमा। कुछ और भी टिश्यू के प्रकार हैं, जैसे एस्केलेनकाइमा। एस्केलेनकाइमा क्या करता है कि प्लांट को स्ट्रेंथ और स्टेरनेस देता है, यानी कठोरता, जो सॉलिडनेस होता है, वो फाइब्रस पल्प जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग का नारियल पेड़, नारियल उसके पास इतना ज़्यादा छाल होता है, तो वो छाल क्या है, फाइब्रस पल्प, वो है एस्केलेनकाइमा। और ये जो बना होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, इसके पास डेड सेल्स होते हैं, यानी कि ये डेड सेल्स से बना होता है। इसके पास ये जो सेल्स हैं यानी कि टिश्यू, वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, और इन टिश्यू का जो वॉल होगा वो बहुत ही मोटा होगा, उसी के जै उसी से उसका थिकनेस ज़्यादा होगा। लिग्निन वर्क लाइक सीमेंट इन प्लांट, जिसके कारण स्ट्रांगनेस प्लांट में आती है। इसमें कोई एम्प्टी स्पेस सेल के बीच नहीं होगा। और ये कहाँ पाया जाएगा, तो तनों में, स्टेम में। और ये कहाँ पे होंगे, नियर द वास्कुलर बंडल, नियर द वास्कुलर बंडल यानी कि संवहन बंडल के पास। एपिक ऑफ लीव्स, यानी कि एपिक ऑफ लीव्स कहने का मतलब पत्तियों के अग्रभाग में, और इनके बीज और सॉलिड पल्प फ्रूट्स में, जितने भी फ्रूट्स के जितने भी पल्प सॉलिड होते हैं बहुत है स्ट्रांग, वहाँ पे वो पाए जाते हैं। सीड्स को कवर करने में ये यूज किए जाते हैं बाय नेचर, और पत्तियों में भी होते हैं। एपिडर्मिस ये भी एक प्रकार का टिश्यू है, जो कि बहुत ही एक्सटीरियर लेयर होता है, और ये बहुत मोटा होता है। प्लांट में जितना एक्सटीरियर हम लोग देख रहे हैं वो एपिडर्मिस होता है। ये प्रोटेक्ट करता है और प्लांट्स के पार्ट्स को कवर करता है, सारे पार्ट्स को, जितना भी कवरिंग हम लोग देखते हैं हस्क पल्प, वो सारा का सारा क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास मोम के जैसा वाटर होता है, वैक्स लाइक वाटर लेयर होता है, जिसके कारण ये
परजीवी जैसे कोई फंगस लग जाता है पौधों को जो बर्बाद कर देते हैं, तो वैसे हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं कि उनसे सुरक्षा प्रदान करता है वो एपिडर्मिस, और साथ में पौधों से पानी की हानि को यानी कि लूज ऑफ वाटर को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि वाटर को कम नहीं होने देगा। इसके साथ साथ इसका जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस का, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक सपाट होता है चिपटा। इनके पास पोर्स होते हैं, इनके पास छिद्र होते हैं, पोर्स मतलब छिद्र। एपिडर्मिस सीट लाइक सेल्स होते हैं, इनके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको एस्टोमेटा कहते हैं। अब एस्टोमेटा होता क्या है, ये दो किडनी जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जो कि इनको कहते हैं प्रोटेक्टिव सेल्स, गार्ड सेल्स। दिस सेल्स शेयर गैसेस ऑफ एयर एज पर नीड्स, आवश्यकता अनुसार ये गैसेस गैसेस को एयर से शेयर करते हैं, अंदर ले जाते हैं बाहर भी निकालते हैं। इनके पास एवोपोरेशन होता है, ये स्टोमेटा के द्वारा ही किया जाता है, और द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट एब्जॉर्ब्स वाटर ड्यू टू हेयरी स्ट्रक्चर ऑफ टिप्स। इनके टिप्स का जितना भी रूट होता है पौधों का, वो रूट का जो टिप्स होते हैं हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, तो हेयरी स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और जिसके कारण कि वो न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, मिनरल्स गेन करते हैं। साथ ही अगर हम लोग मरुस्थल के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो उनके पास क्यूटिन नामक एक वाटर रेजिस्टेंट ग्लू कहेंगे उसको, उनके पास होता है। ठीक है, क्यूटिन एक लेप होता है उनके पास, क्यूटिन लेप, लेप मतलब समझिए कि कवर कर लेना, तो वो क्यूटिन वाटर रेजिस्टेंट ग्लू है, वो डेड सेल होते हैं। और साथ ही साथ इनका जो वॉल है, सेल वॉल, ये सुबेरिन से, सुबेरिन नामक केमिकल से बना होता है जो कि एयर और वाटर से रेजिस्ट करता है, रोकता है वाटर और एयर को अंदर जाने से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में अगर बात करें, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक्चुअली होता क्या है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स का ग्रुप को हम लोग तो कह देंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, लेकिन कहीं कहीं पे हम लोग डिस्टिंक्ट सेल्स को मिलाकर भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम आपका ये ट्रैकिड का बना होता है, वेसल्स का बना होता है, जाइलम पैरेन्काइमा का बना होता है, और जाइलम फाइबर्स का, इतने सारे मिला करके, कितने सारे चीज़, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, फोर थिंग्स को मिला करके बनता है। इसके वाल्स बहुत ही थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और ऑलमोस्ट सारे सेल्स डेड होते हैं। ट्रेकिड एंड ये जो वेसल्स हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये करते क्या है कि मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि जाइलम से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ये क्या करते हैं, मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड इट शिफ्ट्स वाटर टूवर्ड्स द बैंक ऑफ प्लांट लेटरली, यानी कि अगर हम लोग देखें कि पैरेन्काइमा, इसका जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये फूड को स्टोर करके रखता है, और इसको शिफ्ट करता है, वाटर को शिफ्ट करता है किधर, तो हम लोग अगर हम लोग लेटरली अगर पेड़ को देखें काट करके, तो वो चारों तरफ फैला देता है, यानी कि लेटरली वो पानी को शिफ्ट कर देता है पेड़ के छाल के जस्ट पीछे तक। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम। फ्लोएम चार चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला सेफ ट्यूब, सपोर्टिव सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये चार चीज़ मिलकर के बनाता है फ्लोएम टिश्यू। अब सेफ ट्यूब्स पोरस, इसके पास जो वॉल हैं ये पोरस होते हैं और ट्यूबिकल होते हैं, ये करते क्या हैं कि ये शिफ्ट करते हैं किस चीज़ को, तो डिससिमिलर मटेरियल्स, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल उनके पास आते हैं जो कि दोनों तरफ यानी कि अंदर बाहर शिफ्ट कराते हैं, पेड़ के अंदर पेड़ के बाहर, तो ये बाई डायरेक्शनली मूव कराते हैं डिसिमिलर मटेरियल को किधर से किधर,
जाइलम टू सेल, जाइलम से मिलने वाला डिसिमिलर थिंग्स, डिस्टिंक्ट थिंग्स ये सेल को प्रोवाइड करते हैं और सेल से जाइलम की ओर भी। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ईच पार्ट्स, पौधों के हर पार्ट में खाना कौन भेजने का काम कर रहा है, फ्लोएम। साथ ही साथ फ्लोएम जितना भी इसका फ्लोएम फाइबर्स जो है, फ्लोएम फाइबर्स पूरा तरह से डेड होता है, यानी कि इसका सेल डेड होता है, उसका फाइबर्स पूरा तरह से डेड होता है, लेकिन उसका सेल्स पूरी तरह से लाइव सेल्स है, यानी कि जिंदा सेल, वो मरे हुए नहीं रहते हैं जाइलम की तरह। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपको कम्प्लीटली मिल गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यू से हम लोग आगे ये कंप्लीट कर जाएंगे। थैंक यू।